आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे सात ऐसी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में जिसमें कि आप बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर सकेंगे मई और जून के महीने में। इस रूट पर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आइए बात करते हैं सभी ट्रेनों के लिस्ट के बारे में और उनका संचालन अनरिजर्वेशन टिकट के माध्यम से कब से यह सुविधा देखने को मिलेगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। मई और जून के महीने में चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली सात एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट से यात्रा आरंभ हो रही है। इन ट्रेनों के लिए टिकट UTS काउंटर से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा और 24 मई से ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन नंबर 12820 आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो कि ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से चलती है इस ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा शुरू हो रही है। इसके अलावा 31 मई से ट्रेन नंबर 12444 के साथ आनंद विहार हल्दिया एक्सप्रेस ट्रेन और 8 जून से ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर टाटानगर जलियनवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन के अलावे नई दिल्ली से पूरी पुरुषोत्तम के बीच पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12802 इसके अलावे 26 जून से ट्रेन नंबर 12876 आनंद विहार पुरी नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन और योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल श्रेणी की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए अब रिजर्वेशन टिकट अनिवार्य नहीं रहेगा यानी कि आप रेलवे काउंटर से भी सीधा टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। सभी ट्रेनों का लिस्ट हमने आपको बता दिया है और साथ ही सभी ट्रेनों का संचालन कब से देखने को मिलेगा और जनरल टिकट की सुविधा कब से आपको इन ट्रेनों में देखने को मिलेगा इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताया। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।